नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हमारे डीएन फर्स्ट ईयर के पेडागॉजी और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जानेंगे शांति की अभिव्यक्ति। शांति की अभिव्यक्ति यानी कि वह कौन कौन सी अभिव्यक्तियां है जिनके माध्यम से हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। इससे पूरी कक्षा में जाना शांति का क्या अर्थ है और शिक्षण की दृष्टि से हम शांति को कैसे जोड़ेंगे और शिक्षा से हम शांति की स्थापना किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं। शांति एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी प्राणी इस जगत के अंदर आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और आज वर्तमान समय में संपूर्ण देश को इसी की आवश्यकता है जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश के विकास में अपना योगदान दे। और ये तभी संभव है जब सभी लोग शांति के मार्ग पर अपना रास्ता निकाले और यही शांति और आज मानवता के लिए सबकी आन आक्रमण है। जब भी हमने देखा है कि जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, उसको अपना उपनिवेश बनाता है या बहुत से ऐसे अनैतिक कार्य करता है तो परिस्थितियां विपरीत उत्पन्न होती है और धीरे धीरे विश्व युद्ध या वर्ल्ड वार जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिससे नुकसान सिर्फ मानव जाति का होता है। और हमको यही समझना होगा कि मानव जाति और इस संपूर्ण जगत में एक शांति स्थापित करने के लिए हमको शांति का पाठ पढ़ना होगा, समझना होगा, रणनीतियों को अपनाना होगा। तो शांति की अभिव्यक्ति में सबसे पहला हमको पाठ पढ़ना होगा परमाणु का विरोध। परमाणु, परमाणु का दूसरा अर्थ है विनाश। जब जब किसी राष्ट्र ने इस परमाणु शक्ति का प्रयोग किया है तो हमने देखा है कि विनाश उत्पन्न हुआ था, चाहे वो हिरोशिमा नागासाकी जैसे में परमाणु बम का हुआ था। तो आज भी वहां पर परिस्थितियां बदली है और हम देखेंगे इससे वर्तमान परिस्थिति नहीं आने वाले जो भविष्य है वो भी खतरे में पड़ जाता है और परमाणु से मानव के साथ साथ प्रकृति को भी काफी हद तक नुकसान झेलना पड़ता है। जमीन वगैरह बहुत उसको नुकसान हो जाता है तो परमाणु का विरोध करना है, परमाणु शक्ति का विरोध करना है। अब इस विरोध करने के माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए संपूर्ण राष्ट्रों को समझना होगा कि हमको युद्ध जैसी जो नीति है उसको छोड़ करके हमको शांति का पाठ पढ़ना। तो परमाणु का विरोध करेंगे, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय समाज। अंतर्राष्ट्रीय सोच हमेशा संकीर्ण रखकर व्यापक रहती है। संकीर्ण सोच दूसरों के लिए घातक साबित हो सकती है। तो हमको अंतर्राष्ट्रीय यानी कि व्यापक सोच रखनी है, व्यापक समझ रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय समझ रखनी है। कहने का तात्पर्य है मान लीजिए एक देश के अंदर कहीं ना कहीं गृह युद्ध छिड़ रहा है, आपस में एक ही देश के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, चाहे वो जमीन के संदर्भ में हो या कुछ भी संदर्भ में, तो नुकसान उस मानव जाति का नहीं संपूर्ण विश्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण विश्व को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे कि आज वर्तमान समय देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय समाज के संदर्भ में कि आज जो महामारी चीन से आई है, सिर्फ एक देश से आई है, वह आज संपूर्ण विश्व पर फैल गई। यानी कि हम सिर्फ समझ रहे हैं उसका प्रभाव एक देश पर नहीं, सभी देश पर उसका पड़ रहा है, पूरे विश्व मानव जाति पर पड़ रहा है। तो यही बात है कि ऐसे जब युद्ध भी छिड़ते हैं तो यही युद्ध संपूर्ण मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे कि एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है, आपस में युद्ध चल रहा है, तो संपूर्ण आसपास के जितने भी देश है या संपूर्ण विश्व है उस पर उसका नुकसान पहुंचे, क्योंकि उसमें शस्त्रों का प्रयोग होगा, परमाणु बमों का प्रयोग हो सकता है, मिसाइलों का प्रयोग होगा। तो ये सब न सब पर्यावरण के साथ ये भी नुकसानदायक शामिल। अगला है पर्यावरणीय उत्तरदायित्व। पर्यावरण उत्तरदायित्व एनवायरमेंट की संसद ने जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व है इसको हमको समझना होगा। आज
की समस्या एक देश की या एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, वो संपूर्ण मानव जाति संपूर्ण विश्व की समस्या है। इसलिए इसके लिए हमको समझना होगा पर्यावरण की जो प्राकृतिक जो भी संपदा है उसका प्रयोग हमको उसी मात्रा में करना है जितना जरूरी है, हमको अनावश्यक उसका प्रयोग नहीं करना है। अगर अनावश्यक करते हैं तो प्रकृति का दोहन होता है और प्रकृति फिर उसके विपरीत हमको नुकसान प्रदान करती है। जैसे कि हम देख रहे हैं आने वाले पिछले समय में चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र गुजरात में जो भी तूफान आए या जो बाढ़ आ रही है उसका कारण क्या है, प्रकृति में संतुलन ही नहीं। तो ये संतुलन नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार मानव है। इसलिए हर मानव को इसके लिए समझना होगा पर्यावरण का उत्तरदायित्व है और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना योगदान देना। अगला है वैश्विक नागरिकता। हमारा भारत ने तो शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अनुसरण कर रहा है कि सबको प्रति एक समान है। तो वैश्विक नागरिकता समझनी है, हम भारत के नहीं, हम मानव जाति के नागरिक हैं। हर एक नागरिक को अपने देश से बाहर निकल विश्व के लिए सोचना होगा, विश्व के लिए समझना होगा। तो ये तभी समझे जो वैश्विक नागरिकता अपनाएगा, यानी कि संपूर्ण विश्व को अपना ही विश्व मानकर उसके लिए कार्य करेगा, तैयार रहेगा और शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो हमको वैश्विक नागरिकता के लिए हमेशा तैयार रहना है। अगला है विद्या के लिए विविधता के लिए सह सकते, यानी कि जो विविधता उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन विविधता विद्यमान है क्योंकि कोई भी एक समान नहीं है, सभी इंसान भिन्न है, सबको मानव जाति में विविधता पाई जाती है, चाहे वो उनके नस्ल से संबंधित हो चाहे उनके जो भी जिस देश में हो, जिस देश में उनका जन्म हो रहा है उस देश के संदर्भ में भी हो, हर देश की विविधता वहां पर निर्मित है। तो विविधता के संदर्भ में हमको शांति की शक्ति अपनानी होगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो इंसान जिस देश में पनपा है, जिस देश की नागरिकता उसने प्राप्त करी है, जिस देश से उसका अस्तित्व विद्यमान है, उस देश के संदर्भ में उसको अपना अपन को समझना होगा और मानना होगा, वो जैसा है सही है और उसको उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करना है। कई बार हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक राष्ट्र अपने राष्ट्र से बाहर आने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि नहीं मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी मेरा है वो भी मेरा है। तो ऐसा भावना अपनाकर हमेशा सहन शक्ति रखनी है, जो जैसा तो हमको प्रदान किया गया है वो हमारा है, हमको उससे बाहर नहीं जाना है। इसलिए विविधता के लिए हमेशा सहन शक्ति का भाव रखिए। अगला है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर दिया जाता है और इसी कार्य से वो अपने आप को स्वयं को गौरव की प्राप्ति होती है, यानी कि हम हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, चाहे उसकी रुचि हो उसकी योग्यता हो और उसी योग्यता के अनुसार वो कुछ कार्य में अपना अच्छा करता है तो उससे वो गौरव की प्राप्ति करेगा और वह व्यक्ति समर्पित भाव से उस कार्य को पूर्ण करेगा। और यही समर्पण भाव हम देखेंगे कि समर्पण ही दूसरों के लिए तैयार रहने का भाव है, यानी कि आप स्वयं से स्वयं की भावना से ऊपर उठकर देश और अन्य लोगों की भावना के लिए कार्य करते हैं, यानी कि आपका समर्पण भाव है। तो हमको सह अस्तित्व प्रदान करना होगा और यही सह अस्तित्व समर्पण लाएगा और यही समर्पण कहने का तात्पर्य है कि शांति के लिए मार्ग का कार्य करें। अगला है
अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा का प्रा अगर अहिंसा को हम समझेंगे तो अहिंसा आज के समय की हर मानव की जरूरत है। अगर मानव चाहता है कि इस प्रकृति का संतुलन बना रहे, दुनिया में कुछ अनैतिक होने से बचा रहे, तो इसके लिए जरूरी है अहिंसा। अहिंसा ही यानी कि दूसरों की हत्या नहीं करना है, चाहे वो मानव जाति हो चाहे कोई भी प्राणी हो। अगर हम किसी प्राणी को मार रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उसके साथ साथ दूसरों स्वयं का भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हर जो जिसका भी अस्तित्व है उसका एक अपनी अलग भूमिका है और इसी से इस पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। एक प्राणी दूसरे प्राणी से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम स्वयं का नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज जैसे मान लें कि जो घटना हमको सुनने में आ रही है कोरोना जैसी, उसके लिए एक तर्क ये भी है कि किसी प्राणी की जो भी है उसको खा पीकर ये बीमारी फैल रही है। तो अगर हम इसको समझेंगे, अगर उसको उसका इस तरह से अहिंसा नहीं करना तो आज ये स्थिति पैदा नहीं हुआ। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत से ऐसे जो भी पहलू हम जैसे हमारे सामने आते हैं जो अहिंसा के रूप में उत्पन्न होते हैं, और यही अहिंसा हमारे लिए और दूसरों के लिए नुकसानदायक साबित होती है। इसलिए हमको कोशिश करनी है, हमको ऐसी अहिंसाएं नहीं करनी है सिर्फ, ठीक है ना, हमको ऐसे अहिंसा करनी है, हमको हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि हिंसा के माध्यम से यही हिंसा जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे, यही हिंसा दूसरों के लिए और स्वयं के लिए घातक है। हमको दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, अहिंसा का मार्ग पर चलने के लिए कहता है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन कीजिए, हिंसा से दूर रहिए, स्वयं के लिए प्राणी देवता के लिए हिंसा नहीं कीजिए, नुकसान ना पहुंचाइए। और इसी हिंसा को हम दूर करके, हिंसा के भाव को दूर छोड़कर अहिंसा को अपना कर हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। हमको अहिंसा का पाठ पढ़ना है। अगला है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन सही और सहज रूप से करता है, संप्रेषण सही होता है, यानी कि हम दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं, कोई हमारे भाव और विचारों को समझता है, इसका मतलब संप्रेषण सही है, ये स्किल सही है। जब एक दूसरे पर विचारों का आदान प्रदान सही तरीके से होगा तो हम ये कह सकते हैं कि शांति का मार्ग अपनाया जाएगा, अशांति वहां पर उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके लिए हर इंसान को दूसरों को रेस्पेक्ट देना समझना होगा, दूसरों के मान सम्मान के लिए तैयार होना पड़ेगा, और यही तब सत्व है जब हमारा संप्रेषण प्रभावी है और सार्थक है, और इसी प्रभावी संप्रेषण से हम शांति को अपना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि जब दो राष्ट्रों की जब सैन्य वार्ताएं होती है, तो उस सैन्य वार्ता के अंदर समझना होगा कि जब एक देश दूसरे देश के सामने बात कर रहा है, जब वो देश दूसरे देश के सामने बात करता है, तो वहां का संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए। अगर वहां पर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो फिर युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए प्रभावी संप्रेषण भी शांति का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करता है। तो आज हमने जाना कि शांति की अभिवृद्धियां कौन कौन सी है। अब आपका इसके संदर्भ में एक आगे है, शांति वो बताइए, शांति की कौन कौन से अभिवृद्धियां है, उन अभिवृद्धियों को बताना है जिससे शांति का मार्ग अपनाया जा सकता है। जैसा कि होता है कि कोरोना का समय चल रहा है, इसमें सावधानी सतर्कता दोनों रखनी है, और इसी के माध्यम से हम इस बीमारी से जल्दी से निजात दिला सकते हैं। इसलिए हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं ऊपर मास्क पहन के निकलोगे, हमेशा साथ में सैनिटाइजर रखोगे, और इस छोटी सावधानियों से इस बीमारी से हमको निजात पाना।